गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ही ठीक होंगे। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, मैं उन सभी व्यूअर्स का थैंक्स करता हूँ जो कि मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके अलावा वो कमेंट्स भी करते हैं। उन सभी का भी थैंक्स दोबारा फिर करता हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वो किसी कारणवश अपने बिजी कैड्यूल के कारण वो वीडियो नहीं देख पाते, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका मुझ पर विश्वास है। और प्लीज़ मेरे विश्वास को मत तोड़िएगा और सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा करने के लिए शेयर कीजिए। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं मनगढ़ंत कोई भी इतिहास की बात आप लोगों को नहीं बताता, ना ही उन गाइड्स की तरह हूँ जो कि आपको किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाके अलग अलग बयां करते हैं अपने आइडियाज़। ऐसा नहीं होता स्पेशल हिस्ट्री में, वैसे किसी सब्जेक्ट में भी नहीं होता। मैं पर अपने सब्जेक्ट की स्पेशली बात करता हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि शेरशाह सूरी का, कि कैसे शेरशाह सूरी ने अपना राज किया 1540 लेकर 45 तक। शायद आप लोगों को लगता होगा कि मेरे चैनल में एडिटिंग नहीं है या कोई स्नैप नहीं आती। देखिए, अब मैंने एक YouTube पे चैनल देखा था, मेरी बात सुनिए यहाँ से। अब वहाँ पर उन्होंने अकबर और जोधा को दिखाया हुआ है लेकिन वो ओरिजिनल फ़ोटो में नहीं बल्कि ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के रूप में, जो फिल्म थी जोधा अकबर। देखिए, ऐसा नहीं होता। इससे अच्छा ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले के लिए मिलनी चाहिए। ये जो इमेजेस है स्नैप्स है, ये तो दौर अभी शुरू होगा लेकिन उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ऑथेंटिक क्या है। तो हमारा ये जो टॉपिक है आज का अकबर पर, ये इट्स अ वेरी वेरी ऑथेंटिक हिस्टोरिकल टॉपिक, क्योंकि अकबर को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। जिस तरह मैंने बताया था आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड सुल्तान थे, लेकिन मूर्खता के कारण वो एक मूर्ख सुल्तान इतिहास में हमेशा के लिए याद किए जाते हैं। और जहाँ तक अकबर की बात है, अकबर अनपढ़ थे। जी हाँ, उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, कोई हालात ऐसे बन गए, पर वे फिर भी ये कतई ना भूलिएगा कि अकबर एक महान मुग़ल के रूप में उभरे। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस इस बात से थोड़े से खफा होंगे लेकिन अंत में वो ये बहुत मान लेते हैं कि अकबर कहीं ना कहीं सेकुलर थे। जी हाँ, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कि हम अकबर को पूरी तरह ये कह ही नहीं सकते कि वो कट्टर मुसलमान था या मुस्लिम बादशाह था। सही बात कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक कि फॉरेन राइटर्स वेंशन ऑथर स्मिथ, जिन्हें वी एस स्मिथ कहते हैं, उनकी बुक भी आप देखिएगा अकबर द ग्रेट मुगल, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है ग्रेटनेस के बारे में। इसके अलावा आप WH मॉरलैंड की बुक देखिए, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। इसके अलावा उनकी एक और बुक है WH मॉरलैंड की, जिसका नाम है अकबर टू औरंगजेब। बहुत से राइटर्स हैं, आशीर्वादलाल श्रीवास्तव, इसके अलावा आप इतने ज़्यादा राइटर्स हैं कि अगर मैं उनकी बात करूं तो बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट हो जाएगी। ये तो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस तो हैं ही, इरफान हबीब साहब हो गए और भी कई राइटर्स हैं। और इसके अलावा आप हरवंश मुखिया साहब, उन्होंने काफ़ी काम किया मुगल्स के ऊपर। यानी कि मुगल्स और स्पेशली अकबर की हिस्ट्री एक तरह से ऐसी है कि छोटी क्लासों से ही ये स्टार्ट हो जाती है। और अकबर की थोड़ी सी ग्रेटनेस का ये भी हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को उन्होंने मान्यता दी, या कह लीजिए कि उन्होंने सभी को माना। अब उनका फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना इस बात का वो गवाह है, साक्षी है कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन अभी मैं इतनी जल्दी आगे नहीं आऊँगा, मैं आपको क्लिक करना चाहूँगा कि शेरशाह सूरी की डेथ 1545 में एक बम फटने से हो गई। कालिंजर के जो कालिंजर है ना, उसके किले में जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उनकी डेथ हुई शेरशाह सूरी की। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बेशक रहे इस्लाम शाह सूर या सिकंदर,
लेकिन वो उतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए जितने शेरशाह सूरी थे। और हुमायूं का मैंने आपको बता ही दिया कि हुमायूं की मैरिज जो थी वो हमीदा बानो बेगम से हुई थी। ये एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट कपल है, बिकॉज़ ये शिया सुनी का एक मिलाप था। जी हाँ, शिया और सुनी, सुनी थे हुमायूं और वो शिया की बेटी थी ये हमीदा बानो बेगम। तो अकबर इन्हीं के बेटे थे, लेकिन अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। कहीं ना कहीं उनकी राजपूत पॉलिसी को इसी एंगल से भी कई लोग देखते हैं। तो ये तो अब आगे के चले आपको पता चलेगा, लेकिन अकबर की इन्फॉर्मेशन के लिए तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि जी अकबरनामा। आप खुद ही कह दोगे कि हाँ जी सर, अकबरनामा, आईन अकबरी, यही है। नहीं दोस्तों, इनके अलावा आप वो एक नाम भूल रहे हो, वो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। जी हाँ, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद, उनकी बुक है तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी उनकी जो बुक है, 960 पेजों की बुक, अगर उस बुक को आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि अकबर के दरबारी बदायूनी ने भी, जी हाँ, अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो ग्रंथ लिखा था ना अपना छुपके, जिसका नाम था मुंतखब उल तवारिख, वो तबकाते अकबरी से ही उसने इन्फॉर्मेशन लेकर लिखा हुआ है दोस्तों। जी हाँ, ये मैं आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और बदायूनी कट्टर, एक कटु आलोचक था अकबर का बिल्कुल, क्योंकि शेख अबुल फजल ने तो अकबरनामा में कहीं भी अकबर की आलोचना नहीं की, और ऐसा कोई नहीं है जो कि परफेक्ट हो। तभी हम आजकल एक कंट्रोवर्शियल चल रहा है, महाराणा प्रताप की जो अकबर के साथ बैटल थी, हल्दीघाटी की लड़ाई 1576 की, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है। और वाकई महाराणा प्रताप की ग्रेटनेस को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये सच है। और हमें अकबर की कमियों को भी देखना है, और कमियां कहां से पता लगेगी, उनकी उनके आलोचकों से जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो तबकाते अकबरी और बदायूनी का मुंतकल उल तवारिख, जोहर आफ्ताब वाची, जी हाँ, जोहर आफ्ताब वाची, इनको मत भूलिएगा, ये अकबर के जन्म के समय उनके पास थे। जी हाँ, हुमायूं ने जोहर आफ्ताबाची की ही ड्यूटी लगाई थी जब अकबर का जन्म हुआ, किसी को चांदी का सिक्का शाहरुखी देने के लिए और किसी को जोहरात देने के लिए। तो जोहर आफ्ताबाची, अबुल फजल और बाकी मैंने आपको नाम पहले बता दिए, इनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अकबर की। बाकी हमारे जो आज के हिस्टोरियंस हैं, ये भी काफ़ी इन्होंने काम किया है, जी हाँ, बहुत ही परफेक्टली काम किया है। और अगर अकबर का जब ये टॉपिक उस परमेश्वर, उस परमात्मा की कृपा से मैं आप लोगों को बता गया, तो यकीनन मैं आपको ये अपने ऑथेंटिक हिस्ट्री चैनल में ये सिद्ध कर दूंगा कि जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, क्योंकि अकबर की पत्नी थी हरखूबाई, जे हरखूबाई के या हरखाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधाबाई कौन थी ये हम करेंगे, लेकिन ये आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा। कोई भी बिना एविडेंस से आपसे बात नहीं की जाएगी। तभी तो कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे जरूर लेना चाहिए। कहते हैं कि महंगी चीज़ एक बार, सस्ती चीज़ बार बार। तो एक बार चैनल देखी हो तो सही, और फिर उसके बाद जोधा अकबर का ये जो एक चलाया हुआ है, जो गलत प्रोपगेंडा, जिस पर दो फिल्में बनी हुई हैं, आसिफ की मुगल आज़म और आशुतोष की जोधा अकबर, ये भी एक तरह से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जल्द ही अकबर की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास फिर लौटूंगा। तब तक के लिए अपना आशीर्वाद दें, अपने ब्लेसिंग्स और विशेज़ इस तरह देते रहिए। थैंक यू सो मच।